हाय गाइस, मैं लोकेश चौधरी वंस अगेन अपने कॉटल एकेडमी अलीगढ़ के यूट्यूब चैनल लोकेश सरोलॉजी कॉटल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि हम इस लॉकडाउन में या फिर लॉकडाउन के बाद भी लगातार आपको चैप्टर की सीरीज़ गत वीडियोज़ दे रहे हैं। जैसा कि मैं आपको चैप्टर औसत की 4 वीडियो पहले दे चुका हूँ, आज ये चैप्टर का 5वां भाग है, जिसका एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप जो नियर बाय एग्ज़ाम में आता रहा है और आगामी एग्ज़ाम में भी ये संभावना है कि वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, उसी सीरीज़ के क्वेश्चंस लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ आज आपके सामने। और आज का जो टाइप है, आज मैं यहाँ आपको क्वेश्चन वाइज कराता रहूँगा सवाल। कोशिश होगी मैं करीब 8 से 10 क्वेश्चन इस सीरीज में कराऊँ जो मोस्ट पॉपुलर पूछे गए हैं। जो आज का टाइप है हमारा, अगर आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे मुझे ठीक से, तो आज का टाइप है बेस्ड ऑन एरर, यानी कि गलती पर आधारित प्रश्न। अब गलती पर आधारित प्रश्न किस टाइप के होते हैं, तो उनमें सबसे पहले हमने बेसिक टाइप के क्वेश्चंस को उठाया है। जैसा कि प्रेजेंट टाइम आप देख रहे हैं कि इस बोर्ड स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और आप हमारे इस व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे कि पहला सवाल इस प्रकार से है कि 15 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात हुआ। 15 संख्याएं हैं कोई, उन संख्याओं का औसत जो है वो 36 फाइंड हुआ, लेकिन उसमें ये पता चलता है कि किसी संख्या 91 को गलती से 19 पढ़ लिया। यानी कि अगर हम देखें तो संख्या के डिजिट चेंज हो गए, और डिजिट चेंज होने पर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जो मैं आगे समझाऊंगा क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन है कि किसी संख्या 91 को गलती से 19 पढ़ लिया, अब वो कह रहे हैं कि तो बताएं वो सही औसत क्या है। यानी कि माना ये जाएगा कि आपने 91 नंबर है, जिस 91 नंबर को 19 पढ़ लिया है, तो अगर आप सही नंबर पढ़ें तो आपके औसत में क्या चेंज आएगा, आपका औसत क्या होगा, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। तो मैं इसके पीछे छोटा सा आपको एक प्रैक्टिकली फॉर्मेट दिखाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन के हाथ साथ जब बाद में छेड़ेंगे, पहले हम प्रॉपर आपको एक चीज़ समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी परिवार में 15 सदस्य रहते हैं और सभी के पास 36 किसी भी नेटवर्थ के तौर पर, यानी कैपिटल है आपके हिस्से में आता है, या मोटा मोटी ये मान लें कि आप किसी ग्राउंड में 15 लोग हैं और सभी 15 लोगों पर 36 रुपये आए, लेकिन कोई एक ऐसा कैंडिडेट था कि जो आपके इस कॉन्ट्रीब्यूशन में 91 रुपये देता, लेकिन वो हमें 19 रुपीज़ देकर गया, तो कहीं ना कहीं वो हमें पैसे कम तो देकर गया ही है। यानी जितना पैसा कम मिला है, अगर वो पैसा हमें दोबारा से मिल जाए तो उस पूरे पैसे को हम 15 लोग ले लेंगे, और जितना पैसा हम पर बढ़ेगा वही वृद्धि हमारे औसत में होगी। लेकिन इसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे करते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप उस चीज़ को अंडरलाइन करो कि आपको कितनी संख्याओं के बारे में बात की गई है। तो आप देख रहे हैं यहां बोला गया है कि 15 संख्याएं हैं और उनका औसत कितना है, 36। फिर यूजली जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ते रहे हैं वो जानते हैं कि मैं इस केस में हमेशा कहता हूं कि ये प्लस होगा और ये होगा माइनस। यहां मैं हमेशा लिखता हूं पढ़ना था, अगर आपको दिख रहा है तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, पढ़ना था, और यहाँ मैं लिखता हूँ हमेशा पढ़ा गया, मैं इसको लिखता हूँ पढ़ा गया। तो मैं देखता हूँ कि मुझे पढ़ना था 91 और मैंने पढ़ लिया 19, यानी कि जो संख्या कभी 91 हुआ करती थी आपने उसे सिर्फ कितना माना, 19 माना। यानी कि आपका कितना था, यानी आपकी रकम थी प्लस में, और आपको जो मिल गया वो आपने डिडक्ट कर दिया। तो 91 रुपये आपके किसी 91 रुपये आपके थे किसी पर, उसने हमें कितने वापस दे दिए, 19। तो जब 19 रुपये हम निकाल के देखेंगे तो आज भी हमारे कितने रुपये बाकी हैं उस पर, 72 रुपये। कितने रुपये बाकी हैं भैया, 72। जब 91 में से आप यहाँ से माइनस कर दोगे कितना भाई, 91 रुपीज़ थे आपके किसी के पास और आपने उसमें से 19 चुका दिए, तो कितना बचा, 72। अब जो संख्या जिस तरफ बच जाती है, जैसे प्लस की तरफ बच गई है तो आपका औसत बढ़ेगा, और माइनस की तरफ बची गई होगी तो आपका औसत घटेगा। इससे मैं ये देखता हूँ कि हम 15 लोगों के जो पैसे हैं वो कितने रुपए हैं, 72। तो मैं एक सॉल्यूशन में यहाँ देखूँ कि अगर 72 में मैं 15 का भाग दे दूँ, तो आप जानते हैं 15 का सीधा पाड़ा 15 चौक 60 होगा, और इसके बाद यहाँ 12 बचेगा, 12 में 15 का भाग नहीं जाता तो हम 0 ले लेंगे, 120 हो जाएगा, और 15 अट्ठे 120, यानी कि आपके उस यूजल औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 4.8 की। तो जब यहां 4.8 कर देंगे तो आपका आंसर कितना होगा, यहां से 40.8। आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखें और इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें।
सवाल क्या है, 15 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात हुआ, संख्या 91 की जगह हमने 19 पढ़ ली, तो बताओ फिर सही औसत क्या है। यानी कि वास्तविक औसत निकालने के लिए हम अपने वास्तविक नंबर को ही लेते हैं। हमारा वास्तविक नंबर 91 था, लेकिन उसकी जगह हमें मिला कितना, 19। जब हमें 19 मिला तो उस 19 को हमने हटा दिया और हमें कितना प्राप्त और हुआ, 72। काश ये 72 हमें मिल जाता तो हम और कितने मालदार हो जाते भैया, 4.8। तो आपने देखा कि जो 36 था उसमें 4 पॉइंट ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40.8। एक क्वेश्चन इसी थीम पर मैं और बनाता हूँ, जिसे आप देखेंगे मैं यहाँ संख्याएं चेंज कर देता हूँ बस, और जिसे आप बाद में इसी क्वेश्चन के साथ देखिएगा और कोशिश करना कि आपकी समझ में ये आ जाए। जैसे मैं ये कह देता हूँ कि मेरी वो संख्याएँ थी 20 और मेरा औसत जो ज्ञात हुआ था वो 48, लेकिन मुझे कोई नंबर पढ़ना था 72 और मैं गलती से पढ़ कितना आया, 27। पहले क्वेश्चन देख ले, मैंने एक क्वेश्चन नया बना के रख दिया है आपके पास, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि वे संख्याएं जो थी हमारी 20 संख्याओं का औसत 48 ज्ञात हुआ। यदि संख्या 72 को गलती से 27 पढ़ लिया गया हो तो बताएं सही औसत क्या है। यानी कि अब हम देखेंगे यहाँ से कि हमारे पास संख्याओं की संख्या कितनी है, 20, हमारा औसत कितना प्राप्त हुआ, 48। हमने अभी अभी आपको बताया कि जिस तरफ साइन प्लस का होगा वो आपका था, यानी पढ़ना था, तो पढ़ना कितना था, 72, गलती से इसे पढ़ा कितना गया, 27। तो आप यहाँ से पाएंगे कि हमारे किसी के पास 72 रुपये थे परंतु उसने हमें कितने रुपये दिए, 27 रुपये। अगर हम अपना 27 रुपये का कर्जा हटा दें तो हम पाएंगे कि हमारा अभी भी कितना पैसा बाकी है, 45। अगर यह 45 रुपये हम ले आएँ तो क्या परिवार का एक सदस्य उसी व्यक्ति को पैसे दे देगा जो लेकर आया है, ऐसा नहीं होगा ना, सभी में बटेगा। यानी सभी कितने लोग हैं, 20। जब 20 में आप इसे बांट दोगे तो देखो 5 से कट जाएगा 9 बार, 5 से कट जाएगा 4 बार। जब ये 4 बार कटेगा तो 4 दूनी 8, एक बच्चे का न जाने की 0 होगी, फिर 4 दूनी 8 हो जाएंगे और 4 पंजे 20, यानी कि आपके औसत में यूजल जो वृद्धि होगी वो 2.5 की होगी। कितने की होगी, 2.5। तो अब आपका औसत यहाँ से कितना और बढ़ जाएगा, 2.25। तो आप देखेंगे आपका आंसर आ जाएगा 50.25। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। मैं पुनः दोहराऊंगा, 20 संख्याएं औसत 48। मैंने पाया यहाँ से कि कोई संख्या मुझे 72 पढ़नी थी लेकिन उसे मैंने कितना पढ़ा, 27। अब मुझसे ये कहा जा रहा है कि अगर मैं अपने सही औसत की बात करूँ तो कैसे निकल के आएगा। तो आप देख सकते हैं कि संख्याएं 20 थी और औसत 48 है, परंतु मेरे किसी पर 72 थे और उसने मुझे दिया कितना, 27। तो इस केस में हम देखेंगे यहाँ से कि जब 27 अपना हम वापस ले लेंगे तो हमारा कितना बाकी है, 45। जब ये 45 हमें रिटर्न मिलेगा तो कौन लेगा इसे, भाई 20 लोग लेंगे, और जब 20 लोगों में 25 रुपीज़ बांट दोगे तो हम पाएंगे ऐसे 45 रुपीज़ 2.25 ईच मेंबर, ठीक है ना। तो सवाल इसी तरीके से डिक्लियर हो जाता है कि प्रत्येक मेंबर के पास में अब 2 रुपये 2.5 पैसा बढ़ जाएगा, अर्थात सबके पास पैसा हो जाएगा कितना, 50.25। अब एक प्रश्न उठ रहा होगा, सर सभी पे हमारे पैसे रहेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है हम किसी का ले आए हों, बिल्कुल सही बात है। तो मैं एक सवाल और आपके सामने लिखता हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज यही है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जब भी समय मिला बीच में देखेंगे। मैं ऐसे कह देता हूँ कि इस प्रकार थी मेरे पास 18 संख्याएं जिनका औसत मुझे ज्ञात हुआ 43, लेकिन कोई संख्या मेरे पास 18 थी जिसे मैं गलती से 81 पढ़ाया, कितना पढ़ के आ गया, 81। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बताओ सही औसत क्या है। सवाल अब आप समझ गए होंगे, हमसे बोला जा रहा है कि 18 संख्याओं का औसत 43 ज्ञात हुआ, यदि संख्या 18 को गलती से 81 पढ़ लिया जाए, यहाँ लिखा हुआ है यदि संख्या 18 को गलती से 81 पढ़ लिया जाए तो बताएं सही औसत क्या है। तो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास संख्याएं कितनी हैं, 18, और औसत हमारे पास कितना है, 43। मैंने कहा कि जो आपका था वो प्लस था, जो आपको मिल गया वो आपका माइनस है। अब आपको पता है कि कोई संख्या 18 थी और उसे गलती से कितना पढ़ दिया गया,
कितना पढ़ लिया गया, 81। यानी कि तुम्हारा कर्जा 18 रुपये था परंतु तुम कितना वसूल लाए, 81। तो भाई कहीं ना कहीं आपने उन्हीं का पैसा वसूल कर लिया है। जब 81 में से 18 चले जाएंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि आपके पास 63 ज़्यादा आ गया है। तो इस 63 का भुगतान कितने लोग करेंगे भैया, 18 लोग करेंगे। जब 18 लोग 63 का भुगतान करेंगे तो 18 का भाग देना होगा, 9 से काटेंगे, 9 7 63, 9 से काट देंगे दो बार, जब 2 से इसे काटोगे तो कट जाएगा 3.5। अब ये बताओ कि बड़ी संख्या किस तरफ है, माइनस की तरफ, तो जो औसत आया उसमें से घट जाएगा। यानी 3.5 जब माइनस कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 39.5। यानी ये आपका यूजली वो डायरेक्ट आंसर है जो आपसे पूछा गया है। आप बिना पेन के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, जो गलत संख्याएं होती हैं उन गलत संख्याओं का अंतर लेना होता है अगर, और उस अंतर में कुल संख्याओं का भाग देना होता है। जो पढ़ना था बड़ा हो तो औसत बढ़ेगा, और पढ़ना था कम हो तो औसत घटेगा। जैसे कि आप दे रहे हैं कि हमें पढ़ना 18 था, पढ़ा कितना गया, 81, तो औसत घटेगा। इन्हीं को मैं इंटरचेंज कर देता जैसे दो सवालों में पहले हुआ है, तो औसत बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये 3 क्वेश्चन की सीरीज समझ में आई होगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से समझ गए होंगे। इसी क्वेश्चन में एक और कहानी ऐड हो जाती है, मैं आगे इसी क्वेश्चन को और बढ़ाऊँगा, जहाँ आपको समझ में आएगा कि और क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं औसत निकालने में। देखिए, ज़रूरी नहीं है, आप एक चीज़ देख रहे होंगे यहाँ से कि मैं बार बार जो क्वेश्चन लिख रहा था, कहीं 18 को 81 पढ़ा, 91 को 19 पढ़ा, 63 को 36 पढ़ा, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि क्वेश्चन और भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, इसी दो अंक की संख्या से रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैं यहाँ से कह दूँ आपके पास में कि 25 संख्याएँ हैं जिनका औसत मुझे 83 मिला, लेकिन मुझे किसी संख्या को पढ़ना था 75 और मैंने उस संख्या को कितना पढ़ लिया, 15। तो अब देख रहे हैं, अब तो यहाँ डिजिट चेंज नहीं हुए, अलग हो गया। तो मैंने जस्ट आपसे कहा कि केवल गलत पढ़ी गई संख्याओं का हमें अंतर लेना होगा। अब देख रहे हैं कि हमारा था कितना, 75, और हमें मिला कितना, 15। तो अभी हमारा 60 बाकी है, वही 60 कितने लोगों में बटना है, 25 लोगों में। जब 25 लोगों में वो बटना है तो जब भाग देंगे हम 25 का 60 में, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल जाएगा कि 1.4 आंसर होगा, और 1.4 हमारा औसत जब बढ़ जाएगा तो 84.4 हो जाएगा। लेकिन आज जैसा कि आपको पता ही है कि आप बिना सॉल्यूशन के तो समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो मैंने कहा भैया संख्याएँ कितनी थी, 25, औसत कितना प्राप्त हुआ, 83। यदि कोई संख्या, मैंने कहा जो आपका था वो प्लस था और जो आपको मिल गया वो आपका माइनस है, मुझे संख्या पढ़नी कितनी थी, 75, लेकिन मैंने पढ़ कितनी ली, 15, तो ये 15 75 के पास आएगा और घटाएंगे तो मैं पाऊंगा कि यहाँ कितना बच रहा है, 60। अब ये जो 60 है ये किसकी तरफ है भैया, प्लस की तरफ। तो इस 60 का बंटवारा कितने लोगों में होगा, 25 लोगों में। तो जब 25 का भाग दे दोगे, 5 से ये 12 बार कटेगा और 5 से ये 5 बार कटेगा, 5 से 2 बार कट जाएगा, आप जानते हैं, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगा लेंगे 2.4। यानी कि मेरा जो आंसर है वो यहाँ से बढ़ जाएगा 2.4 और मेरा आंसर निकल के आ जाएगा 85.4। कितना आंसर निकल के आ जाएगा, 85.4। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 3-4 क्वेश्चंस आपको बेसिक टाइप के उम्मीद से समझ में आई गए होंगे, ठीक है ना। मिलता हूँ अगले सवाल में, चलेगी। अब देखें, अब ये जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या हुआ है कि गलती 1 न हो करके गलती 2 हो गई। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक ही संख्या को गलत माने, ऐसा भी हो सकता है कि पढ़ते समय भी संख्या हमारे 1 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब 1 से ज़्यादा कैसे हैं, इनको आप समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन बोला गया है कि 18 संख्याओं का औसत 43 ज्ञात हुआ, 18 संख्याएं जिनका औसत कितना ज्ञात हुआ, 43, जबकि दो संख्याएं 49 और 61 को गलती से क्रमशः 63 और 38 पढ़ लिया गया हो तो सही औसत क्या है। तो आप जानते हैं भैया, मैंने पहले भी कहा है, आप इसका जब सॉल्यूशन देखेंगे, आपसे मैंने बस एक ही कहा है कि पहले संख्याएं कितनी थी, 18, औसत कितना मिला, 43। भाई जो तुम्हारा था वो प्लस था और जो तुम्हें मिल गया वो माइनस है। तो मेरा एक नंबर तो था 49 और दूसरा नंबर था 61, तो आप इस नंबर को डायरेक्ट ही ये मानो कि हमारा 110 था और उस आदमी ने हमें दे दिया 63 और कितना दे दिया, 38।
तो आप ये मानिए ना इस तरीके से कि उस आदमी ने हमें यहाँ से पटा कितना दिया, 8 3 11, 3 6 9 1 कितना हो गया 10। अब हमारा था कितना 110, हमें मिल कितना गया 101, तो अल्टीमेटली हमारे ही पैसे बाकी बचे अभी उस पर। तो आप जब इन्हें माइनस करेंगे तो आप यहाँ से पाएंगे कि हमारा, यानी कि इसको जब यहाँ ले आओगे तो आप यहाँ से देखेंगे कि कितना बाकी और है 9। अब ये 9 कितने लोगों में बटेगा, 18 संख्याओं में, तो 18 का भाग दे दो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया, 0.5 बार भाग जाएगा। तो जो औसत 43 था उसमें ऐड कर देंगे 0.5, तो आपका आंसर आ जाएगा 43.5। सवाल समझ लीजिए, मैंने कहा जो हमारी पहली संख्याएं थी कौन कौन सी संख्याएं, 49 और 61, इन दोनों को ऐड कर लो। इसके बाद ये दो संख्याएं, इन दोनों को ऐड कर लो। ये पढ़ी गई थी, ये पढ़नी थी कितनी 49 61, दोनों को किया 110 हो गया। ये कितना पढ़ा गया, इतना 63 38 ऐड कर लो, 104 आ गया। इस प्रकार मैंने देखा कि 110 रुपये हमारे किसी पे थे जिसने हमें सिर्फ 101 रुपया दिया, और उस पर हमारे कितने रुपये रह गए 9, और 9 को अगर हम 18 लोगों में बांटेंगे तो हम पाएंगे यहाँ से कि हमारा जो औसत है वो 0.5 बढ़ जाएगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ध्यान देंगे कि क्वेश्चन कैसे किया गया है। चलिए मैं एक सवाल और बनाता हूँ जिसको आप ध्यान से देखेंगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसकी सीट में आपको देना चाह रहा हूँ, और आप खुद भी कहेंगे कि सर हमारे सारे डाउट क्लियर हो गए जो एरर्स में अब तक होते थे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है ये, लेकिन आप इसे अंत तक देखें और चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और पहचान कराएं कि आप ही के लिए बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। देखिए, अब मैंने कहा कि हमारे पास 40 संख्याएं हैं जिनका औसत मान लिया जाए, मैंने कहा 65 प्राप्त हुआ। लेकिन हमसे बोला जा रहा है यहाँ से कि कोई भी नंबर है किसी भी तरह से, मान लीजिए कोई नंबर ऐसा था जो 43 था और दूसरा नंबर हमारा 69 था। हमें दो संख्याएं थी जिस एक नंबर को 43 पढ़ना था और एक को 69 पढ़ना था, लेकिन हमने गलती क्या कर दी कि जो 43 नंबर है उसको तो हमने 34 पढ़ दिया और जो 69 है उसको हमने 96 पढ़ लिया। तो बताएं फिर सही औसत क्या है। तो यानी कि यहाँ इंटरचेंजिंग मेथड पर प्रॉब्लम हुई है। आप जानते हैं जो हमारा था वो प्लस था और जो हमें मिल गया वो माइनस है। तो आपका पहला काम क्या है कि अपने उन नंबरों को आपस में ऐड करना जो नंबर हमारे थे। तो 9 और 3 कितना हो गया 12, 6 और 4 10 और 1 हासिल का था कितना हो गया 11। यानी हमारी जो थी उस व्यक्ति के पास में वैल्यू वो 112 थी, लेकिन उसने हमें कितना चुकता किया। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप यहाँ से, तो आप देखेंगे 6 और 4 हो गया 10, 9 और 3 12, 12 और 1 हासिल के थे तो कितने हो गए 13। ओहो, ये क्या हो गया भैया। तो मैंने यहाँ से पाया कि हमारा किसी के पास में कितना था 112 और हम उससे कितना वापस ले आए 130। तो जब हम इसे इस तरफ लेकर जाएंगे यानी माइनस करेंगे 112, तो हम पाएंगे कि हम कितना ज़्यादा ले आए हैं 18। ये 18 की जो वैल्यू है वो कितने लोगों से वापस जाएगी 40 से। तो जब आप देखेंगे कि 40 से वापस जाएगी तो 2 से 9 बार कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 20 बार। जब 20 का भाग नहीं जाएगा तो आप यहाँ से पॉइंट ले लेंगे तो ये 90 हो जाएगा, 20 चौक 80, फिर 10 बचेंगे और 20 पंजे ना। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 0.45 है ये प्लस होगा या माइनस। तो आप देखिए, बड़ी संख्या प्लस की तरफ है कि माइनस की तरफ, यहाँ 112 है और यहाँ 130 है, तो बड़ी संख्या 130 की तरफ है, यानी कि माइनस की तरफ बड़ी संख्या, तो मेरा औसत घट जाएगा। तो सही कायदे में औसत मेरा कितना था भैया, मेरा सही औसत था 65। मैं अगर देखूँ तो एवरेज था 65, जिसमें से 0.45 में जब घटाऊँगा तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा 64.55। यानी उम्मीद करता हूँ कि आप को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या लिखने की कोशिश की है। बस इतना समझना है जो आपका था वो प्लस है और जो हमें मिल गया वो माइनस है। हमारा 43 और 69 था, दोनों को ऐड करा 112 हो गया, हमें 34 और 96 मिला जो कि 130 है। जब हमें वापस मिला तो हमने पाया कि हमें 18 ज़्यादा मिला है और हम कितने हैं 40, यानी जो टोटल संख्या है वो हम हैं। जब 40 मैं 18 को बांटा गया तो देखा गया कि ईच मेंबर पर जो वैल्यू आई वो आई 0.45, जो घट जाएगी 65 में से। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 64.55। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टॉप। अब देखेंगे आपके पास एक और नया क्वेश्चन।
इसी के साथ एक और नया सवाल मैं स्क्रीन पर लेके आया हूँ आपके लिए। जैसे क्वेश्चन बोला गया कि 45 संख्याएं थी जिनका औसत 53 ज्ञात हुआ। कितना ज्ञात हुआ? 53। अब जब ये 53 ज्ञात हो गया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस 53 को 52 लिखिए तो सवाल ना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से संख्याएं 45 थी जिन संख्याओं का औसत 52 ज्ञात हुआ। अब गलती से संख्या 73 व 93 को क्रमशः 39 और 37 पढ़ लिया गया, लेकिन एक गलती और पाई गई कि जो संख्या 45 थी वो वास्तविक रूप से 54 थी। यानी कि सवाल ये कह रहा है कि गलती पाई गई कि जो संख्या 45 पढ़ी थी वे वास्तविक रूप से 54 थी। यानी जिन संख्याओं को हमने 45 मान लिया है वे संख्या 45 नहीं थी, वे संख्या कितनी थी? 54 थी। जिन्हें गलत पढ़ा गया था तो बताएं सही औसत क्या है। सवाल दोबारा से समझ लें। एक लाइन में ये कह रहा है कि 45 संख्याएं हमने पहली स्थिति में देखा और उनका औसत 52 ज्ञात हुआ। गलती से संख्या 73 और 93 को क्रमशः 39 और 37 पढ़ लिया गया, लेकिन एक गलती और पाई गई, जो संख्या 45 पढ़ी थी वे वास्तविक रूप से कितनी थी? 54 थी। जिन्हें गलत पढ़ा गया था तो बताएं सही औसत क्या है। यानी इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो गलती एक नहीं दो बार हुई। गलती कितने बार हुई? दो बार हुई। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? पहले इसे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ जी। तो अब हम डेटा को थोड़ा सा रखेंगे यहाँ से और मैं इस लाइन को पीछे से काट देता हूँ, बाकी सवाल हम रख लेंगे। देखिए अभी अगर आप देखें यहाँ से इस क्वेश्चन को मैंने दो जगह तोड़ा है। आपको ये पहले जैसा नहीं लग रहा है? आपको लग रहा है जी 45 संख्याओं का औसत कितना है? 52। तो आपकी संख्याएं कितनी है? 45, और औसत यहाँ से कितना है? 52। लेकिन गलती से संख्या 73 और 93 को, तो मैंने बस आप ही से की कहा गलती हमारी है प्लस है और उसकी है वो माइनस है। तो हमने यहाँ से देखा कि अब हम किसको ऐड करेंगे भैया? हम करेंगे 73 और कितने को? 93 को। तो 3 और 3 कितना होता है? 6। 7 और 9 कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। 166 हो गया। अब पढ़ा कितना गया भैया? इतना पढ़ा गया। तो देखो 7 और 9 कितना होता है? 16। 3 और 3 6 और 1 हासिल का कितना हो गया? 7। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा किसी पर कितना था? 166, और हमें उसने दिया कितना? 76। तो जब हम यहाँ से 76 हटा लेंगे तो अभी हमारा कितना बाकी है? 90। जैसा कि यूजली आपने पहले क्वेश्चंस में पढ़ाई है भैया कि इस 90 का बंटवारा कितनी संख्याओं में होगा? 45 में, क्योंकि हमें तो 45 ही पता है। 45 का भाग देंगे, कितने बार चला गया? दो बार। बहुत सुंदर। अब औसत बढ़ेगा कि घटेगा? देखो प्लस की तरफ ज़्यादा बढ़ा है। हाँ, तो अब आपको पता है कि आपका औसत 52 न होकर कितना बढ़ जाएगा? 2। तो आपका आंसर कितना आएगा? 54। जवाब देखो पहले, आंसर कितना आएगा? 54। यहाँ तक बात सही है। जब आपका औसत 54 आएगा, एक क्वेश्चन तो यहाँ तक सेट होता है। जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट लेंगे जी, मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब एक चीज़ और समझ लें यहाँ के बाद। क्या समझना है कि आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि पहली संख्या n1 है और उनका औसत a1 है, और इसे बांटा जाए n2 संख्याओं में तो उनका औसत क्या निकल के आएगा? a2। क्या निकल के आएगा भैया? a2। अब n1 कौन है? आप यहाँ से देखेंगे n1 के तौर पर कि आपके पास n1 संख्याओं के लिए पहली संख्याएँ कितनी हैं? 45। कितनी है भैया? 45। और उनका वास्तविक औसत कितना ज्ञात हुआ है? तो चेक करो, आपने देखा है 54 बराबर। लेकिन वो कह रहा है कि गलती से जो संख्या 45 थी वो 45 नहीं थी, वो 54 थी। वो कितनी थी? 54 थी। तो वो संख्या जब 54 होंगी तो उनका औसत क्या हो जाएगा? A2। देखो जरा, 54 से 54 कट गया तो A2 का आंसर कितना आ गया? 45। यानी कि वास्तविक औसत जो था वो हमारा कितना निकल के आना चाहिए था भैया? 45 निकल के आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था? 45। इस क्वेश्चन को दो मोड में सॉल्व करना है आपको। पहला मोड, आप इसे ऐसे मानकर चलेंगे कि 45 संख्याओं का औसत 52 है जिनमें गलती से 73 और 93 को क्रम से 39 और 37 पढ़ा गया। यानी दोनों के दोनों नंबर इंटरचेंज हो गए हैं। एक गलती और हुई हमसे कि वो जो संख्याएं 45 थी वो भी इंटरचेंज हुई थी, यानी उन 45 को हमें 54 पढ़ना था। अब बाद में क्या हो रहा है भैया? तो हमने देखा कि 73 और 93 को ऐड किया तो 166 आया, 39 और 37 को ऐड किया तो ये आया हमारा कितना? 76। जब 76 166 में से माइनस हुआ तो 90 बचा है, 90 हमारा ही बचा, और हम कितने अभी तक? 45। तो दो बढ़ जाना चाहिए था, तो जो 52 है वो कितना हो जाएगा? 54। तो 45 मेंबर का औसत कितना है? 54। जबकि अगर संख्या कितनी होती? 54। तो 54 से 54 कट जाता तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाती? 45।
कितनी आ जाती 45। जल्दी से सॉल्यूशन उतार लेंगे। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे यहाँ से, आप अभी आप देख पा रहे होंगे, तो मैंने क्वेश्चन और लिखा है बोर्ड पर कि 57 संख्या को औसत 77 ज्ञात हुआ, गलती से संख्या 39 और 14 को क्रमशः 110 और 57 पढ़ा गया है, लेकिन एक गलती और हुई, जो 57 पढ़ ली थी, वो कह रहे हैं यहाँ से जो 57 पढ़ ली थी, यानी कि जो संख्या, यहाँ आप एक वर्ड जोड़ लेंगे, जो संख्या 57 पढ़ ली थी वह वास्तविक रूप से कितनी थी भैया, 95 थी, लेकिन 95 थी तो गलत था, जब सब कुछ ठीक होने पर तो वास्तविक औसत क्या होगा। पहले सवाल का जल्दी से स्क्रीनशॉट लें क्योंकि मुझे सॉल्यूशन तेज़ी से कराना है। क्वेश्चन एक बार ठीक से देख लीजिएगा, कॉपी पर लिख लेना, बोर्ड पर बेटा थोड़ा सा देखना पड़ता है, साथ के साथ क्वेश्चन लिखते हैं तो दिक्कत होती है जी। अब मैं थोड़ा मिटाता हूँ, मैंने कहा इस क्वेश्चन को आपको दो जगह तोड़ना है, कहाँ तोड़ना है भाई, आप इस क्वेश्चन को दो जगह ऐसे तोड़िए ना, आप जानते हैं कि आप यहाँ तक लिखिए, पहले आपको होता है कि जो आपका था वो प्लस है और जो आपका नहीं है वो आपका माइनस है, तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे, आपको पता है कि जो हमारा है हम उन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐसे 14 और 39 होता है हमारा कितना भैया 53, यानी कि हमारा किसी के पास 53 था, लेकिन हम उसे 110 एक बार मिल आए और 57 एक बार मिल आए, तो आप देख सकते हैं कि हम उसे लेकर कितना आए 167, हमारा था 53 हम ले आए 167, तो भैया जब इसमें से घटा दोगे तो आप आओगे 7 में से 7 गया तो कितना बचा 0 बचा, और इसके बाद में सॉरी 7 नहीं 53 है ये, सॉरी 53 है, तो यहाँ बचा हमारा कितना 4, और 16 में से अगर हमारे 5 चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 111, एंड अल्टीमेट हमने देखा कि हम उससे कितना ज़्यादा ले आए भैया 114 कितनी संख्याओं में बटेगा 57 में, तो आपको पता है कि आप दो बार भाग दे देंगे तो आपका औसत बढ़ेगा कि घटेगा, बेटा घटेगा क्योंकि घटने की तरफ संख्या बड़ी है। जल्दी से देखेंगे, इसे रीटेक करना, दो तीन बार देखना तो समझ में आएगा, वो पुरानी क्वेश्चन है, सब एक ही चीज़ चल रही है जी। हाँ, अब इस क्वेश्चन को हम दूसरी जगह लेकर चलते हैं, यानी अब आपका औसत घट जाएगा, तो अभी अभी पुराना एक तरीका समझाया मैंने, एन वन इंटू क्या ए वन बराबर है बेटा क्या, हमने यहाँ से एन टू इंटू क्या है भैया ए टू, एन वन कौन सा, जो आपने संख्या लिखी हमारी 57, औसत तो मैं बताया दो घटना है तो जो 77 है वो 75 रह जाएगा। अब हमें वास्तविक बताया गया कि संख्याएं जो थी वो 57 नहीं थी, वो 95 थी, तो 95 लिख लेंगे और ये आ जाएंगी कितनी ए टू। तो बेटा देखो 19 का पहाड़ा मुझे लग रहा है यहाँ कट जाएगा 19 से 3 बार, और 19 से कट गया ये 5 बार, और 5 से कट जाएगा ये 15 बार, और 3 से 15 में गुणा जब करेंगे तो 15 थी कितने होते हैं 45, यानी आपका जो आंसर ए टू है, जो वास्तविक औसत है, वो कितना निकल के आएगा 45। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेटर समझ में आ गया होगा कि हमने क्वेश्चन में क्या लिखा है। दो टेक में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहला आप पहले मेथड में जाएंगे, दूसरा आप एन वन लिखेंगे, ए वन लिखेंगे, आगे एन टू लिखेंगे, फिर ए टू लिखेंगे। एन वन में वही संख्या लिखेंगे जो आपने लिखी गई हैं, और एन टू वो मानेंगे जो पढ़नी थी। ए वन औसत पहले करेक्ट करेंगे और ए टू आपका औसत बाद में करेक्ट होगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 45। अभी इंटरचेंजिंग पर एक और बहुत शानदार क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ज़रा देखिएगा, देखेंगे। अब देखेंगे कि एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर है जो मैंने अभी रिसेंटली लिखा है। मैं ये कह रहा हूँ कि 10 संख्याओं का औसत कुछ ज्ञात हुआ, कोई भी 10 संख्याएं ले ली गई एक्स वाई जेड जो भी नंबर रहे होंगे, और उनका औसत जो कुछ भी ज्ञात हो गया हमें पता नहीं है, लेकिन एक दो अंकी संख्या गलती से उसके अंक पलटकर लिखी गई थी, यानी कि अभी अंकों को पलटकर लिखने वाली संख्याओं के बहुत क्वेश्चन आपने पढ़े, जैसे 93 को 39 लिख लेना है, 54 को 45 लिख देना है, 13 को 31 लिख देना है, 18 को 81 लिख देना है, यानी उसके अंक पलट गए थे। अब जब पलट कर लिखी गई थी और औसत ज्ञात कर लिया गया था, यानी कि ऐसी सिचुएशन में ही औसत मिल गया था, लेकिन जब संख्या को दुरुस्त कर लिया, यानी कि जो संख्या गलत लिख दी थी उसके अंक जो पलट गए थे उसको सही लिखा गया और औसत ज्ञात किया गया, तो औसत में 0.18 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कोई आवश्यक नहीं है वृद्धि हो सकता है कि वो पहले संख्या हमें ज़्यादा बड़ी पढ़नी थी लेकिन हमने उसके डिजिट पढ़ के छोटी पढ़ ली थी, तो 0.18 की वृद्धि हो गई। तो बताएं उस दो अंकीय संख्या के अंकों का अंतर क्या है। देखिए ये क्वेश्चन 10+2 सन 2011 में सबसे पहले पूछा गया, उससे पहले MTS वगैरह के एग्जाम में भी सुनने में आता कि आया था, लेकिन प्लस टू का ये क्वेश्चन है। और ज़रूरी नहीं होता कि जो क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ जाता है वो जनरल हो जाता है, वो कल को बीएड के एंट्रेंस में भी आ सकता है, जो कि बहुत नॉर्मल सा एग्ज़ाम होता है, यूपी का हो चाहे AMU एग्ज़ाम हो या फिर जामिया का हो या BHU का हो।
तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि कहाँ है, इंपॉर्टेंट ये है कि उस क्वेश्चन की पूरी थीम तक पहुँचना। तो इसके लिए ना थोड़ा सा आपको नंबर सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा और मैं आपको वो कंसेप्ट कराऊंगा। पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट ले लें जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। जी तो अभी क्वेश्चन देख लिया आपने, ठीक है। क्वेश्चन को मैं बार बार समझाऊंगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं और कैसे वृद्धि होती है और क्या है। अंकों के अंतर से रिलेटेड भी एक सवाल है कि नहीं है। मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा और आप उसको देखिएगा, जरा नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन है। दो अंकीय संख्या तथा उसके अंक पलट कर बनी नई संख्या या फिर संख्याओं का अंतर सदैव विभाजित होता है। कुछ बच्चे समझ आ रहे हैं, बहुत जल्दी समझ आते हैं क्वेश्चंस को, क्या लिखा है मैंने। एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम इस तरीके से आता है कि कोई दो अंकों की एक संख्या है, अगर उसके अंकों को पलट दें तो एक नई संख्या बन जाएगी। उस पहली संख्या और जो अंक पलट कर बनाई गई नई संख्या है, इन दोनों के डिफरेंस को देखें तो वो डिफरेंस हमेशा किसी नंबर से डिवाइड होगा, हमेशा। जब वो नंबर हमेशा डिवाइड होगा तो फिर वो नंबर कौन सा है, तो इसको थोड़ा नंबर सिस्टम के तरीके से समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक बहुत छोटा सा नंबर लिख रहा हूँ यहाँ से 21, इसके अंक पलट कर मैंने लिख दिया 12, तो आप अंतर देख रहे हैं 9 आ गया, बहुत सुंदर। एक अंक मैंने यहाँ से लिख दिया, आप देख रहे हैं कि 31, इसको मैंने लिखा 13, तो ये नंबर 18 आ गया। आप मान लीजिए कि कोई संख्या आपने 54 लिखी और फिर इसको 45 लिख दिया, तो अंतर कितना आया 9। यानी कि मैं जब देख रहा हूँ कि इसका डिफरेंस जो है कभी 9 आ रहा है, कभी 9 आ रहा है और तो कभी 18 आ रहा है। अब मान लीजिए एक 72 है, इसके अंक पलट कर मैंने 27 लिख दिया, तो अब मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है 45। तो मैं एक चीज़ तो देख सकता हूँ कि कोई दो अंकों की संख्या है और उसके अंक पलट दिए हैं और उन दोनों का हमने अंतर निकाला है, तो 9 आया है, कभी 18 आया है, कभी 9 आया है, कभी 45 आया है। और एक नंबर ले लेता हूँ, चलो 53 लिख दिया मैंने यहाँ से, या और कोई नंबर लिख लीजिए, जैसे आपने 43 लिख दिया और 43 छोटा है और हम इसे ऐसे लिख देते हैं, 41 लिख दिया और इस नंबर को हमने 14 लिखा, तो इनका डिफरेंस 27 आ जाएगा। तो आप एक चीज़ समझ रहे हैं यहाँ से कि कहीं न कहीं इन सभी नंबरों में किससे भाग दिया जा सकता है, 9 से। तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर लिख लो। आपको एक और एडिशनल जानकारी दे दी है मैंने कि जब कभी दो अंकों की संख्या के अंक पलट दिए जाते हैं और उन दोनों संख्याओं के अंतर को देखा जाए तो उन दोनों संख्याओं का अंतर सदैव और सदैव 9 से डिवाइड होगा ही होगा। किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा ही होगा। एक कंसेप्ट इसमें ट्रिकी अप्रोच का और आता है। क्या अप्रोच का आता है, तो मैं अपने इसी चीज़ को लेकर इसी में एक चीज़ और कर देता हूँ कि अगर मान लो इस अंतर के बजाय यहाँ योग होता, क्या वर्ड आता है, योग, तो योग सदैव 11 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 11 से। यही मैं क्वेश्चन से लिटा देता हूँ, आप देखो कैसे डिवाइड होगा। 21 और 12 को जब ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 33, 31 13 को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 44, 54 45 को ऐड करेंगे आएगा 99, 72 और 27 को जब ऐड कर देंगे हम यहाँ से तो ये आ जाएगा हमारा 7 और 2 9, यानी कि कितना आ जाएगा, ये भी 99 ही आएगा, और 41 और इनको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 55। तो आप देख रहे हैं कि इन सभी नंबरों में कहीं न कहीं जो वैल्यू है वो डिवाइड हो रही है, कितने से भैया, 11 से। तो आप देख रहे हैं कि ये नंबर 11 से डिवाइड है, क्योंकि 11 33 11 44। मैं इसको नंबर सिस्टम में बड़ा डिस्कस करूँगा क्योंकि मैं अपने क्वेश्चन पर लिखना चाह रहा था। एक बार स्क्रीन शॉट लो इसका, समझ में आएगा अगर देखिएगा दोबारा से। जी तो एक कंसेप्ट इसमें और समझ में आ रहा है यहाँ से कि आपने कहा जी जो भी अंतर होगा वो किससे डिवाइड हुआ होगा, 9 से अंतर आया होगा। चलो जी ठीक है, अब हम यहाँ से एक बात अपने क्वेश्चन की ओर लौट कर आते हैं। हमें कहा कि हमारा जो था वो प्लस है, जो हमें मिल गया वो क्या है, माइनस है। अब मैं कह देता हूँ इसे मैं अपने तरीके से सॉल्व करूँगा, मैथमेटिकली कोई चैलेंज नहीं करेगा कि मैंने इकाई और दहाई की संख्याओं को कैसे लिख दिया, तो उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, कट पेस्ट ना करें, कि मैंने कहा कि एक डिजिट एक्स है और एक डिजिट वाई है, नॉट 10y, मैं सिर्फ नंबर लिख रहा हूँ यहाँ। एक जो है अपने आप में जो नंबर है हमारा, यानी कि उसकी मैं प्लेस वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ,
ये ध्यान रखना है, मैं उस अंक की मान की बात कर रहा हूँ, एक अंक x और एक अंक y है। दूसरा नंबर जो हमने इसे इंटरचेंज किया तो वो x और क्या हो गए, y हो गए। अब आपको तो इतना पता है ना कि जो भी डिफरेंस आएगा इन दोनों नंबर्स का, इन दोनों नंबर का डिफरेंस आएगा, तो जो भी डिफरेंस आएगा वह डिफरेंस किससे जरूर डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा भैया, 9 से। जो रिजल्ट के तौर पर आपसे बोला गया है कि वो बढ़ गया है 1. कितना 8, लेकिन 1.8 गुरुदेव एक नंबर पर बढ़ा है, लेकिन वो नंबर कितने 10, तो यानी कि 10 बार बढ़ा होगा वो नंबर, और यानी टोटल डिफरेंस की जब बात करेंगे तो वो नंबर 10 बार बढ़ा होगा। जब 10 बार बढ़ जाएगी वैल्यू तो अब आप इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो बहुत आसान तरीके से आ जाता है कि आपका ये कहीं ना कहीं, यानी एग्जैक्ट डिफरेंस की बात करें, हम थोड़ा सा इसमें गलती हो रही है, मैं एग्जैक्ट डिफरेंस की बात करूँ तो मैं एग्जैक्ट डिफरेंस कैसे देखूंगा कि एक नंबर पर कितने की वृद्धि हुई होगी, 1.8 की, नंबर कितने भैया 10। अगर मैं इस पूरे डिफरेंस को, आप देख रहे हैं कि डिफरेंस को मैं किससे डिवाइड कर दूं, 9 से, 1.8 है ना वो, थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा उसमें, पॉइंट आएगा 1.8 है भाई, क्वेश्चन में थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, वो 0.18 नहीं है, 1.8 है, यानी 1.8। तो जब मैं देखूंगा यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा तो वैल्यू पूरी की पूरी आ जाएगी कितनी, 2। तो डिफरेंस जो था वो अंकों के बीच का कितना था, 2 था। इसे एक बार थोड़ा ठीक से समझो, हौचपौच हो गई थोड़ी सी। आपने कहा जी औसत बढ़ा, औसत बढ़ा 1.8, करेक्शन करना क्वेश्चन में कि क्वेश्चन पीछे जा चुका है, अब रीटेक नहीं है, लाइव है भैया, इसमें रीटेक नहीं होता। तो औसत बढ़ा 1.8, औसत का मतलब होता है प्रत्येक संख्या में बढ़ना, प्रत्येक संख्या में, लेकिन आप जब ग्रांड टोटल में बढ़ाएंगे तो 10 बार बढ़ेगा, क्योंकि कुल संख्याएं 10 हैं। जब कुल संख्याएं 10 हैं तो आप यहां से देखेंगे कि मेरी संख्या टोटल कितनी बड़ी होगी, 18। यानी कि अगर मैं देखूं इधर वाली और इधर वाली जो दोनों नंबर होंगे मेरे, यानी कि यहां कोई ए नंबर है और यहां कोई बी नंबर है, तो मैं ये देखूंगा कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आया होगा, 18 आया होगा, और इनका हमेशा डिवाइड किससे होता है, 9 से। तो उनके अंकों का अंतर कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। देखिए इस तरीके से, जैसे 31 को मैं अगर यहां से 13 लिख देता हूं तो ये 18 आता है, और 18 कितने बार डिवाइड हो गया, 9 से 2, तो इनके अंकों का अंतर भी 2 है। अगर मैं और कोई नंबर ले लूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से 72 लिख के और यहाँ 27 लिख दिया, तो इनके बीच का जो अंतर है वो 5 है, इनका भी कितना है, 5 है। तो इन दोनों का नंबर 45 होगा, क्योंकि 5 का गुणा 9 में होना है, तो बराबर क्या हो गया, 45। इसे अगले क्वेश्चन को मैं और थोड़ा ठीक से समझाऊंगा, रोकें जरा, वंस अगेन आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, मैंने एक और सवाल लिखा है उसमें थोड़ा सा दिक्कत लगी मुझे भी, लेकिन आप इसे दोबारा से देखें, एक मैंने क्वेश्चन और बनाया है, चाह तो एक ही रहा था लेकिन एक क्वेश्चन मुझे और देना पड़ा। मैंने कहा 20 संख्याओं का औसत कुछ ज्ञात हुआ, लेकिन यहाँ से एक 2 अंक की संख्या को उसके अंक पलटकर औसत ज्ञात किया गया था। यानी वो ये कह रहा है कि हमने जो 20 संख्याओं का औसत निकाला है उन किन्हीं संख्याओं में से क्या हुआ है कि कोई भी एक ऐसा नंबर है जिसके डिजिट बदल गए और हमने औसत भी ज्ञात कर लिया। लेकिन कह रहा है कि यदि संख्या को सही कर औसत ज्ञात किया जाए, यानी संख्या को सही पढ़कर उसका औसत ज्ञात किया जाए, तो औसत में 2.7 की कमी हो जाती है। तो बताएं वो जो 2 अंकीय संख्या है उसके अंकों का अंतर क्या है, मतलब वो पूछना क्या जा रहा है कि मान लो अगर आपने वो नंबर कोई 81 था और उसे गलती से 18 पढ़ लिया, तो वो कह रहा है कि 81 एक और 8 के बीच का अंतर कितना है हमारा, 7। तो आप देख रहे हैं ना 7, वो इस अंतर को निकलवाना चाहता है कि ये डिफरेंस क्या है, वो ये नहीं चाह रहा कि वो नंबर कौन सा है, वो कह रहा है कि उस नंबर के अंकों का अंतर क्या है। तो मैं बस दोबारा से वही कहूँगा कि जो आपका था, इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं मिटाया आपके, कि जो तुम्हारा था वो प्लस है, जो नहीं है वो माइनस है। मैं दोबारा से वही कहूँगा कि मैं यहाँ यूनिट नंबर की बात कर रहा हूँ, यानी नंबर की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, उसकी प्लेस वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि वो नंबर एक्स है और एक नंबर मेरा यहाँ पर कोई भी नंबर है वाई है, तो एक्स वाई और यहाँ पर जब देखेंगे तो ये नंबर ऐसे बन जाएगा। तो जो डिफरेंस बनने वाला होगा, जो डिफरेंस बनेगा, तो आप जानते हैं कि यहाँ से x डिफरेंस y बराबर n होगा, और वो n जो होगा वो 9 का गुणज होगा, डेफिनेटली 9 का गुणज होगा, और जब वो 9 का गुणज होगा तो इस प्रकार से निकलेगी हमारी कुल संख्या, यानी कुल डिफरेंस निकलेगा,
इससे क्या निकलेगा, कुल डिफरेंस। और इसी कुल डिफरेंस डी को तुम्हें पता है कि किससे डिवाइड किया गया होगा, 20 से, तभी तो औसत पर फर्क पड़ेगा। यानी कि हमने यहां से देखा इस क्वेश्चन को आगे जाके कि एन इंटू नौ बराबर एक संख्या कितना कम हुई भैया, एक संख्या कितना कम हुई जरा बताएंगे यहाँ से, एक संख्या कितना कम हुई, एक संख्या कम हो गई 2.7, यानी औसत में कमी का मतलब है एक संख्या। और अगर ये सभी संख्याएं चेंज